सभी किसान भाइयों का और डेयरी फार्मर्स का एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान फार्म्स पे। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारे वीडियो का टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो SCG के इंपोर्टेड सीमन आए हैं, जो आपके डेनमार्क इंपोर्टेड हैं, जर्मनी इंपोर्टेड हैं, और जो आप अपने फार्म पे यूज़ करते हो, तो आप कैसे पहचानोगे कि उनकी जो स्ट्रॉ है वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। क्योंकि ब्रीडिंग का जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो है कि आपकी स्ट्रॉ ओरिजिनल होनी चाहिए, नहीं तो आप जितना भी इन्वेस्टमेंट करोगे, जितना भी अपनी मेहनत लगाओगे, अगर आपकी स्ट्रॉ डुप्लीकेट है तो वो सारी की सारी चीज़ें वेस्ट हैं और आपको कभी भी एक अच्छा प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि जो आप स्ट्रॉ यूज़ कर रहे हो वो ओरिजिनल है कि नहीं है। क्योंकि ओरिजिनल स्ट्रॉ पे कैसे चेक हो पाएगा वो भी आपको बताएंगे, क्या क्या उसके ऊपर प्रिंटेड होता है वो भी आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं। क्योंकि अभी हमने जो लास्ट टाइम 2-3 स्ट्रॉ यूज़ करी थी SCG इंपोर्टेड जर्मनी की और डेनमार्क की, उनकी स्ट्रॉ हमारे पास रखी हैं, तो हम आपको बताएंगे कि कैसे आप उस पर देखोगे क्या क्या प्रिंटेड है और कैसे उसकी ओरिजिनलिटी और डुप्लीकेसी का पता लगाओगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, ये आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये 2 स्ट्रॉ रखी हैं मेरे पास। मैं इसको बिल्कुल नज़दीक से दिखाता हूँ। ये पहली वाली जो आपकी स्ट्रॉ है फ्रेंड्स, ये देखिए, ये SCG इंपोर्टेड जर्मनी कोल्ट के सीमन की है, जो कि जिसका बुल नंबर है 20193। तो आप इसकी प्रिंटिंग पे देख सकते हो क्या क्या प्रिंटेड होता है। स्टार्टिंग से सबसे पहले आपको SCG का लोगो मिलेगा, ये आपको फ्रंट में भी मिल सकता है और सबसे लास्ट में भी मिल सकता है, इसकी आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये इस तरह का लोगो होना चाहिए, इनका लोगो भी होना चाहिए और उसके बाद ये साइन लिखा हुआ है SAG, ये भी लिखा होना चाहिए, चाहे वो स्ट्रॉ की स्टार्टिंग में हो चाहे वो स्ट्रॉ की एंड में हो, लेकिन ये होना ज़रूर चाहिए। उसके बाद कौन सी कंट्री से वो जो बुल है जो आया है वो लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो बुल है हमारा जर्मनी से आया है, इंपोर्टेड बुल है। उसके बाद उस बुल का नाम क्या है वो क्लियरली मेंशन है, कोल्ट। उसके बाद उसकी ब्रीड जो कि HF है। उसके बाद आपका जो नंबर है बुल का 20193। उसके बाद आपका HF ब्रीड, वो पहले HF जो था वो इसके नंबर के साथ है और ये वाला जो HF है ये इसकी ब्रीड का है। उसके बाद ABC है आपका, कौन से सीमन स्टेशन से ये बुल आया है। जैसा कि आपको पता है SCG के 5 सीमन स्टेशन हैं, तो ये जो बुल है ये एनिमल ब्रीडिंग सेंटर सालोन से आया है। तो ऐसे ही यहाँ पे राहोरी सीमन स्टेशन हो सकता है या जो भी सीमन स्टेशन है, आलामाड़ी सीमन स्टेशन हो सकता है। तो जो भी सीमन स्टेशन से वो बुल आया है उसका नाम होगा। उसके बाद ये आपका स्ट्रॉ का एक कोड है 27418, जो लास्ट की जो 5-6 डिजिट हैं, जैसा कि आप इसमें देख सकते हो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको अपनी जो स्ट्रॉ है उसके ओरिजिनल की पहचान करने के लिए। जो इसमें जैसे ये B96Y करके ये जो पूरा लास्ट में जो 6 डिजिट कोड होता है, अगर आप इस कोड को जो SCG का नंबर है 9900399000, अगर आप इस नंबर पे टेक्स्ट मैसेज करोगे, टेक्स्ट मैसेज करना है, कोई और मैसेज मत कर देना व्हाट्सएप पे या कहीं और पे, तो अगर आप ये जो लास्ट में 6 डिजिट कोड होता है इसको आप टेक्स्ट मैसेज करोगे SCG के नंबर पे 9900399000 पे, तो आपको वहाँ से रिटर्न मैसेज आएगा कि आपकी सीमन स्ट्रॉ है जो वो ओरिजिनल है या नहीं है। तो ये सबसे ज़्यादा एक प्रॉपर तरीका होता है स्ट्रॉ को आइडेंटिफाई करने का, और आपको एक ही बार टेक्स्ट मैसेज करना है, बार बार मैसेज मत करना, क्योंकि बार बार मैसेज करने में वो रिपीट हो जाता है। और फिर क्योंकि ये जो यूनिक कोड होता है, ये कोड आप एक ही बार यूज़ कर सकते हैं और SCG भी एक ही बार यूज़ करता है,
दो तीन बार ये कोड भेजने से क्या होगा, आपकी स्टॉक को वो डुप्लीकेट बता सकता है चाहे वो ओरिजिनल हो भी। तो इसी तरीके से हम आपको एक और स्ट्रॉ दिखाते हैं, ये आपकी डेनमार्क सीमन की है। आप देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था ये SCG का कोड बाद में भी हो सकता है, पहले भी हो सकता है। तो ये आप स्ट्रॉ देख लीजिए, ये 40128 की है। उसके बाद HF इसकी ब्रीड का नाम है। उसके बाद आपका हमेशा सीमन स्टेशन का नाम होता है, उसमें ABC था, एनिमल ब्रीडिंग सेंटर। इसके अंदर ALM है, मतलब आला माड़ी सीमन स्टेशन जो तमिलनाडु में है। उसके बाद वही नंबर, उसके बाद आप देखिए इसकी मदर का रिकॉर्ड है 16318, डेनमार्क इंपोर्टेड है, बुल का नाम है प्लूटो, SCG का साइन है, और लास्ट में फिर से वही 6-डिजिट कोड है। इस 6-डिजिट कोड को आप SCG के नंबर पे व्हाट्सअप करके अपनी स्ट्रॉ के बारे में पता कर सकते हैं कि वो ओरिजिनल है या फिर फेक है। तो यही तरीके होते हैं। आप प्रिंटिंग देखिए क्या क्या चीज़ उसमें मेंशन होंगी, इसे आपको अच्छी तरीके से एक आइडिया लग जाएगा कि आपको जो स्ट्रॉ आप यूज़ कर रहे हो अपने फार्म पे वो ओरिजिनल है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी होगी, जिससे कि आप अपने फार्म पे नकली और ओरिजिनल स्ट्रॉ को यूज़ कर पाएंगे। इसके बाद अगर हम कोई ABS और वर्ल्ड वाइड सायर्स की भी स्ट्रॉ यूज़ करेंगे, वो भी आपको प्रॉपर तरीके से दिखाएंगे कि उसके ऊपर क्या क्या प्रिंटेड हो सकता है, ताकि सभी फार्मर्स की मैक्सिमम हेल्प हो सके। तो सभी फ्रेंड्स का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।